गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लास्ट आर्टिकल हमने गैसी स्टेट के बारे में पढ़ा था, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में, आज हम लिक्विड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं। द लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट है क्या चीज? लिक्विड स्टेट होता है विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट हैव डेफिनेट शेप। जिसका वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है। वॉल्यूम डेफिनेट क्यों है? क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से स्प्रेड नहीं, अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ में है, एसोसिएटेड पार्टिकल्स है। और शेप में क्या चीज है कि दे टेक अप द शेप ऑफ दैट कंटेनर इन विच दे कैप्ट। पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा जगह नहीं है तो कंप्रेसिबल नहीं है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी रखेंगे सॉलिड की तरह, ये भी कंप्रेसिबल नहीं है। दूसरा, पार्टिकल्स मूव तो कर ही सकते हैं तो इसलिए फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड, ठीक है, इनको गैस की तरह फ्लूइड भी कह देते हैं आप लिक्विड्स को। ये चीज है आपके पास, तो ये लिक्विड स्टेट है। अब लिक्विड स्टेट में कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज होंगे, पहला है आपके पास यहां वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पहली चीज जो हमें पढ़नी होगी, यहां ऊपर नहीं होगी, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर क्या चीज है, बड़े ध्यान से समझना आपने। वेपर प्रेशर कि वेपर प्रेशर क्या होता है कि कोई लिक्विड है वेशल में, यहां यहां लिक्विड है वो, अब यहां से आपने उसको ऐसे बंद कर रखा है, कोई इवेपरेटेड ट्यूब वगैरह लगा रखी है वहां। अब जो लिक्विड्स है इनमें से कुछ पार्टिकल्स निकलकर वेपर स्टेट में जा रहे हैं, इवापोरेट हो रहे हैं। इवापोरेशन जिसे कहा करते थे आप, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे पार्टिकल्स जो है ना वो गैस स्टेट में बदल लिक्विड के, उसको इवापोरेशन कहा करते थे नाइन्थ क्लास में। इवापोरेट हो रहे, इवापोरेट हो रहे हैं तो वो वेपर्स करे आपने, और अब ये वेपर क्या करते हैं, गैस के पार्टिकल्स हो गए, और ये क्या करेंगे आपस में स्ट्राइक करेंगे, कंटेनर की वॉल के साथ स्ट्राइक करेंगे, तो क्या करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। और ये कब मापा जाएगा, जब लिक्विड से पार्टिकल्स निकल कर जा रहे वेपर स्टेट में, कुछ एक वेपर स्टेट के पार्टिकल्स वापिस लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम बन रहा है, इक्विलिब्रियम बन रहा है। शुरू में तो लिक्विड था तो लिक्विड से ज्यादा वेपर निकल जाएंगे, अब वहां 20 वेपर हो गए, नीचे लिक्विड स्टेट है, अब 5 लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स वेपर में जा रहे हैं और 5 वेपर वापस लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम बन जाएगा बाद में। तो इस इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर जो ये वेपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। The pressure exerted by the vapors present over the surface of a liquid is known as vapor pressure. कि vapor जो है liquid के surface के ऊपर जो vapor है, ये liquid का surface, इसी ऊपर जो vapor है, वो vapor कितना pressure exert करते हैं उसे हम कहते हैं vapor pressure. It is known as vapor pressure. कब मापा जाता है, जब equilibrium stage के ऊपर। Equilibrium कब बनेगा, बताया मैंने आपको, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं ज्यादा ज्यादा, जितने वेपर में कन्वर्ट होना था लिक्विड हो चुका है, उसके बाद में जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उतना वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा उस टाइम, इसे समव्यवस्था इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर जितना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ये वेपर्स, इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर, इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ये चीज आपके पास वेपर प्रेशर, ये करना है आपको। उसके बाद में क्या है आपके पास, यहां वो चीज देखनी है हमने, ये वेपर प्रेशर। अब कि ये जो वेपर है ना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं इसे वेपर प्रेशर कहेंगे। तो ये वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, यहां कितना प्रेशर है और उस वेशल का कितना प्रेशर है वो वेपर प्रेशर, और यहां कितना प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब ये वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए तब वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द
एटमोस्फेरिक प्रेशर इट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, इट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर भी कह सकते हैं आप उसे, बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं आप उसे, ठीक है। क्या कि जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर। तो बॉइलिंग पॉइंट की भी डेफिनेशन याद रखते हैं, ये नहीं कि जिस टेम्परेचर को लिक्विड बॉइल होना शुरू हो जाए वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट की नई डेफिनेशन है 9.7, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर इट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ये भी याद रखना आपको। उसके बाद में ये रहा वेपर प्रेशर, टेम्परेचर से डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। पहली चीज, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ही बॉइलिंग, उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा, क्योंकि ज्यादा ज्यादा वेपर निकलेंगे यहां से उतना ही प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट करेंगे वो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लिक्विड है लिक्विड में जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि जल्दी से टूट जाएगा। जैसे एक एसीटोन एरिक वाटर है, हथेली के ऊपर एसीटोन रखेंगे आप वेपराइज हो जाएगा, पानी नहीं होगा जल्दी, तो एसीटोन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वाटर से। क्यों? क्योंकि एसीटोन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनके पार्टिकल्स में कमजोर है पानी की वजह, ये चीज। तो वो लिक्विड जिनमें वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनका वेपर प्रेशर कम होगा, याद रखें फैक्टर्स। उसके बाद में सरफेस टेंशन, उसके बाद में आपके पास सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन दूसरा लिक्विड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स और वेपर प्रेशर है, और दूसरा है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है, आज तक तो आपने लिविंग बींग्स में टेंशन सुना होगा, नॉन लिविंग में भी आप सरफेस टेंशन सुन सकते हैं। लिक्विड की सरफेस टेंशन क्या चीज है, सिंपल सी चीज है, ये कोई वेसल है इसमें लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ये, ऐसे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। तो जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर पार्टिकल जैसे ये है, ये सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स है और बीच में पार्टिकल्स ये हैं, तो जो पार्टिकल बीच में बैठा है वो इक्वली अट्रैक्टेड है ऑल डायरेक्शंस में। द पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड, एट द बल्क ऑफ द लिक्विड, अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। जो पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट के, लिक्विड के बीच में है, बिल्कुल इंटीरियर में है, वो इक्वली अट्रैक्टेड है सब डायरेक्शंस में, क्योंकि उसको उसी तरह के पार्टिकल्स ने घेर रखा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, सराउंड कर रखा है पार्टिकल्स ने इक्वल, तो उसका फोर्स अट्रैक्शन इक्वल है। बट द पार्टिकल प्रेजेंट ओवर द सरफेस, लेकिन बट द पार्टिकल प्रेजेंट एट द सरफेस, लेकिन जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उसके ऊपर, जैसे इससे ऊपर तो कोई पार्टिकल नहीं है ना, इससे ऊपर तो वेपर फेज है, नीचे लिक्विड फेज है, इज नॉट अट्रैक्टेड इक्वली, उसको इक्वली अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऊपर तो वेपर है नीचे लिक्विड है, जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर है उसके ऊपर तो वेपर फेज है नीचे लिक्विड स्टेट है, तो वो तो इक्वली अट्रैक्टेड नहीं होगा, ठीक है। अब उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं नीचे से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऊपर तो उसके जैसे है नहीं, नीचे से ज्यादा खींचेंगे उसे, तो hence it experiences a net inward force of attraction, ये important line है, hence it experiences a net inward force of attraction, इसलिए वो हमेशा ये एक्सपीरियंस करेगा, ये अनुभव करेगा कि तुम्हें नीचे से कोई खींच रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल सर्विस के ऊपर प्रेजेंट है उसको नीचे से पार्टिकल्स खींच रखते हैं, क्योंकि ऊपर तो उसके जैसे पार्टिकल है नहीं, वेपर फेज है, नीचे से खींच रहे हैं, hence it experiences a net inward force of attraction. So, it remains in tension. इसलिए हमेशा टेंशन में रहता है, इसको टेंशन रहती है क्योंकि वो सरफेस के ऊपर है। This is known as surface tension. इसे कहते हैं surface tension. कि सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल है वो टेंशन में रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि नीचे से उसको कोई पार्टिकल्स खींच रहा होता है, इनवर्ड फोर्स अट्रैक्शन लगा हुआ उसके ऊपर, इसलिए वो सर्फेस के ऊपर नहीं रहना चाहता, मीन्स वो अपना सर्फेस एरिया कम रखना चाहता है, क्या रखना चाहता है, सर्फेस एरिया कम रखना चाहता है, दिस इज नोन एज सर्फेस टेंशन, इसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस के ऊपर रहना नहीं चाहता तो सरफेस एरिया कम रहेगा, इसे कहते हैं सरफेस टेंशन, ये है सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन है। इसमें सरफेस एनर्जी क्या है, सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं
वो वेपर फेज से पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो उसके लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है उसे हम कहते हैं सरफेस एनर्जी, उसे हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। वो सरफेस एनर्जी है, वो है सरफेस एनर्जी, ये चीज है। तो कोई भी पार्टिकल सरफेस के ऊपर नहीं रहना चाहता क्योंकि नीचे से उसे खींच रहे होते हैं, हमेशा टेंशन में रहता है, इसे कहते हैं सरफेस टेंशन। ये चीज आपके पास सरफेस टेंशन। इसकी एप्लीकेशन सब बहुत सारी, जैसे जो ड्रॉप होती है, गिरती हुई रेन की ड्रॉप है, मरकरी की ड्रॉप है, वो सफेरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो कम से कम सरफेस एरिया चाहेंगे, सरफेस के ऊपर कोई पार्टिकल नहीं रहना चाहिए, तो सरफेस एरिया कम से कम होगा। और किस शेप का सरफेस एरिया कम से कम है? सफियर का। इसलिए जितने भी ड्रॉप देखते हैं लिक्विड गैस सफेरी होती है, क्योंकि एक ऐसी शेप है जिसका सरफेस एरिया कम से कम है, और वो है सफियर। एक चीज। दूसरी चीज, हम जो ग्लास वगैरह है उसके जो शार्प कर्व होते हैं, एजेस होते हैं, उनको स्मूथ करते हैं। स्मूथ कैसे करते हैं? उनको मेल्ट कर देते, पिघला के उनको क्या कैसे कर देते हैं? सफियर के ऑर्डर का कर देते हैं, नहीं तो हमें हर्ट करेंगे। जैसे कांच है, कैपिलरी ट्यूब है, उनके ऊपर के जो ये कर्व जो वगैरह है वो सब स्मूथ किए गए हैं। कैसे? सफियर के ऑर्डर में लाकर। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। पॉलिशिंग ऑफ ग्लासेस, फायर ग्लासेस भी कहते हैं आप उसे, पॉलिशिंग ऑफ फायर ग्लासेस, मेल्ट किया जाता है और वो स्मूथ किया जाता है। ये है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये करना है आपको यहाँ, सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने ऊपर से जो वेपर फेज उनके पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेंगे ज्यादा ज्यादा। ये बहुत काम आएगा नेक्स्ट, मतलब 12th क्लास में भी आपको, सरफेस टेंशन। ठीक है, याद रखना आपको ये। उसके बाद में एक तीसरा प्रॉपर्टी है आपके पास, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बड़ा इजी है ये, विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी इनकी यूनिट्स वगैरह है। ठीक है, तो विस्कोसिटी है आपके पास, क्या है विस्कोसिटी? पॉइज़न में मापा जाता है इसको, उसी से जिक्र हो रहा है। तो पॉइज़न में, और वन पॉइज़ मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर और पर सेकेंड। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे यूनिट है इसका। ठीक है, उसके बाद में आपके पास है क्या कि ना, क्या होता है विस्कोसिटी? विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी गाढ़ापन। तो इट इज द मेजर, इट इज द मेजर टू रेजिस्टेंस, टू रेजिस्टेंस फॉर फ्लोइंग, कि कोई सब्सटेंस फ्लो का विरोध करता है, उसका रेजिस्ट करता है, उसकी उसको मेजर करने की क्वांटिटी विस्कोसिटी होती है आपके पास। ठीक है, रेजिस्टेंस टू द फ्लूडिटी, आप सिंपल ये भी कह सकते हैं। विस्कोसिटी का मतलब रेजिस्टेंस टू द फ्लूडिटी, बहने के गुण का विरोध करना, वो होता है विस्कोसिटी, वो होता है विस्कोसिटी। या दो जो लेयर है उनके बीच का फ्रिक्शन जो है, जो दो लेयर है उनके बीच का फ्रिक्शन विस्कोसिटी कहता है आपके पास। विस्कोसिटी सिंपल है, डेफिनेशन याद कर ले बस। विस्कोसिटी गाढ़ापन, जैसे शहद है और पानी, उनमें से कोई किस कौन विस्कोस ज्यादा है? ऑफ कोर्स अनडाउटली शहद है। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, आप उसे ऐसे याद करें, गाढ़ापन। ठीक है, तो ये फ्लूडिटी का अपोज करेगा, फ्लूडिटी का रेजिस्टेंस करेगा, ये होता है विस्कोसिटी, उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो ये काम करना है आपको यहां, ये चीज है, यहां तक का काम करना है आपको, इसे रखना।